किसान एवं पशुपालक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज आपको थारपारकर गाय का जो भविष्य है, यानी थारपारकर गाय के जो भविष्य के जो नंदी बिछौड़ फार्म में तैयार होने जा रहे हैं, उनके बारे में आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और ये दोनों नंदी अभी बिछौड़ फार्म के अंदर 170 नंबर और 188 नंबर, जो इस फार्म की और पूरे भारत की प्रसिद्ध गाय है 32 नंबर और 53 नंबर, इन दोनों ही गायों के ये बेटे हैं। अपने को सामने 170 नंबर बुल दिखाई दे रहा है। अभी ये हल्का सा कमजोर है, थोड़ा सर्दी की वजह से इसका कलर भी हल्का सा अपने को चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्दी के अंदर देसी गायों में हल्का कालापन है वो अपने को दिखाई देने लग जाता है। तो इस गाय की जो मदर है, इसकी जो डैम है वो है 32 नंबर, और 32 नंबर गाय का एक लैक्टेशन में 5200 लीटर दूध उत्पादन रहा है, और उसके बाद उसका उससे नीचे के लैक्टेशन की बात करें तो 4800 लीटर दूध उत्पादन रहा है। 32 नंबर गाय के लगभग देश के सबसे शानदार जो बड़े बड़े सीमन स्टेशन हैं, उन सभी सीमन स्टेशनों पे 32 नंबर गाय के बेटे गए हुए हैं, यानी इस 170 नंबर बुल के भाई हैं वो सभी सीमन स्टेशनों पर है। यानी 32 नंबर गाय की जो ब्लड लाइन है उसकी इतनी प्रसिद्धि पूरे भारत के अंदर बनी हुई है, और उसी गाय का ये बेटा है। और इसका फादर है वो है TP03, जो इसी फार्म का TP03 बुल जो आप अभी वीडियो में सामने देख पा रहे हैं वो इसका फादर है। तो TP03 ही करेक्टर वाइज और बहुत शानदार है, टेस्टिकल में आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सुस्पष्ट टेस्टिकल और बिल्कुल ओवल शेप के अंदर टेस्टिकल अपने को दिखाई दे रहे हैं, यानी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो होने चाहिए वही टेस्टिकल हैं। इसके बाद अपन दूसरे नंदी की बात कर लेते हैं, जो 188 नंबर है और 53 नंबर गाय का बेटा है। इसकी मदर है वो 53 नंबर है और इसके फादर है वो TP03 नंबर है, यानी ये दोनों ही भविष्य के जो बुल है 3 नंबर के बेटे हैं। तो ये बछड़ा भी बड़ा शानदार है, इसकी उम्र भी लगभग अभी 2.5 से 3 साल हुई है, और 53 नंबर गाय भी बहुत शानदार गाय है, उसके भी काफ़ी सीमन स्टेशनों पे उसके बच्चे गए हुए हैं। और 53 नंबर गाय का उस टाइम का जब ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग 3400 लीटर दूध उत्पादन रहा है, जबकि उसके बाद में 53 नंबर गाय ने 4000 लीटर से अबो दूध उत्पादन है वो दिया है। तो बहुत ही शानदार बछड़े अपने को सामने दिखाई दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल 3 नंबर की कॉपी ये बच्चा है, और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा शानदार ये तैयार होगा, 3 नंबर से भी अच्छी गुणवत्ता लेके आएगा। गलकंबल की यदि बात करते हैं तो थारपारकर के अंदर हैवी गलकंबल, लंबी लटकी हुई गलकंबल होती है, उसी तरह से बिल्कुल सुस्पष्ट करेक्टर दिखाई अपने को दे रहे हैं। ऐसे सिंगों का पैटर्न है, हेड का पैटर्न है, पीछे से टेल का पैटर्न है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, बहुत ही शानदार भावी नंदी तैयार हो रहे हैं। भविष्य में जब इनके बच्चे आएंगे तो थारपारकर के अंदर क्रांति और ज़्यादा आएगी, और बहुत ही शानदार इसके परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। 170 को अपन दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ही शानदार सीधा शांत नंदी है, अभी लगभग इसकी एज भी 3 साल के करीब है, पर हल्का कमज़ोर होने की वजह से अपने को ऐसे थोड़ा सा दिखाई देता है, पर बहुत शानदार करेक्टर वाला। गलकंबल के मामले में यदि बात करें तो TP03 से भी हैवी गलकंबल इसकी बनेगी, क्योंकि इसकी माँ भी 32 नंबर गाय जो फार्म की बहुत ही प्रसिद्ध गाय है उसी गाय का ये बेटा है। तो आज साथियों आपने थारपारकर के भविष्य के नंदियों के बारे में जाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थारपारकर गाय के प्रेमी हैं उनके लिए हम लेके आए, आपने इसको बहुत ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।